आए हुए हैं। ये जिस जगह पे आए हुए हैं उस जगह का नाम एक्चुअली दूधिया, ये दूधिया है जिसको बोलते हैं लोअर दास। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एसोसिएट हैं, यहाँ सब कोई आए हुए हैं, सब कोई सबके मन में इतना ज़्यादा इंजॉय लग रहा है और इंजॉय दिख रहा है, तो ये तो बता नहीं सकते इतना ज़्यादा इंजॉयमेंट है। इतनी ऊँची ऊँची पहाड़ियों को देख कर, इतने अच्छे झरना, इतने सुंदर ड्रेस और बहुत सारा चीज़ यहाँ आने के बाद देखने को जो मिल रहा है वो वाकई में अच्छा है। स्पॉट में आए हुए हैं वो भी काफ़ी बहुत अच्छा है। आज का जो अगर खाने की बात किया जाए तो आज का जो खाने का बन रहा है, चावल बन रहा है और चिकन बन रहा है। आज जो भी है आज का खाना में कुछ इंटरेस्ट है ना। देखो देख के कैसा मुस्कुरा रही है मैडम जी, और उधर देखिए ब्रिज में रेड कलर की गाड़ी भी चल रही है। बहुत मतलब देखा जाए एक प्रकार के बहुत ही बड़ा एकदम रोमांटिक जगह है यार। इधर अगर अगर ध्यान से देखा जाए, अगर सही मायने में देखा जाए तो ये क्या बोलते हैं, पानी के अंदर भी मछली दिख रहा है, मतलब इतना साफ पानी दिख रहा है। आप बताइए ऐसे जगह में घूमने का मन हर सभी को करता है। नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी अभी 1 बजने को है, 2-3 बजे से हम लोग का कुछ अलग ही प्रोग्राम है और वहां जाना है। आगे लोग मछली पकड़ रहे हैं, फिश पकड़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। चढ़ते चढ़ते अमिता जी थक गई हैं पूरी तरह से, चढ़ने भी नहीं सक रही है, उसका हालत खराब है। मैं ये लेकर हाथ बढ़ाता हूँ लेकिन मेरा हाथ नहीं पकड़ रहे, शायद पकड़ ली, अब खींच रहा हूँ।